यहाँ हमको देखना होता है कि संपत्ति का पुस्त मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य क्या है, क्योंकि साल दर साल जब संपत्ति की लागत में से उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू यानी मूल्यह्रास की जो राशि होती है वो घटती जाती है, तो संपत्ति का जो पुस्त मूल्य होता है वो बार बार चेंज होता जाता है। तो कैसे हम उसके बुक वैल्यू यानी कि पुस्त मूल्य की कैलकुलेशन करें, आइए देखते हैं। एक तो हम संपत्ति के वर्तमान मूल्य या पुस्त मूल्य की गणना करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, संपत्ति की लागत माइनस उपयोग अवधि पर लगाया गया मूल्यह्रास। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज। जो कॉस्ट है मशीनरी की उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जो बैलेंस अमाउंट आती है वो उसकी बुक वैल्यू हो जाती है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर संपत्ति के विक्रय पर हानि की गणना हम करते हैं। अगर हमको संपत्ति के विक्रय पर हानि या लाभ की गणना करनी होती है तो हानि की दशा में हम देखते हैं कि संपत्ति का वर्तमान मूल्य या पुस्त मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि संपत्ति की बुक वैल्यू अगर ज़्यादा है और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अगर कम है तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि उस संपत्ति को बेचते समय लॉस हुआ है, हानि हुई है। तीसरी कंडीशन में हम संपत्ति के लाभ के आधार पर, विक्रय पर लाभ के आधार पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। संपत्ति के विक्रय पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य प्लस चालू वर्ष का ह्रास, जो डेप्रिसिएशन था वो भी अगर हम विक्रय मूल्य में ऐड कर दें तो ये दोनों मिलकर संपत्ति के पुस्त मूल्य से ज्यादा होते हैं, यानी जितनी बुक वैल्यू की वो एसेट्स थी उससे ज्यादा में हमने उसको सेल कर दिया, यानी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर संपत्ति के विक्रय पर लाभ हो रहा है। तो आइए इन फॉर्मूलों के आधार पर हम देखते हैं कि स्थायी किस्त पद्धति में हम मूल्यह्रास की गणना किस तरह से करते हैं, संपत्ति के विक्रय पर हम लाभ हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। अरविंद ट्रेडर्स ने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी तथा उसकी स्थापना पर 25,000 रुपए व्यय किए। मशीन का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है। इसके बाद अवशिष्ट मूल्य 10,000 रुपए अनुमानित है। स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्यह्रास एवं ह्रास के दर की गणना कीजिए तथा पंजी प्रविष्टियां एवं प्रथम 3 वर्ष का मशीन खाता एवं ह्रास खाता बनाइए। ह्रास की राशि को स्थिति विवरण बैलेंस शीट में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, प्रतिवर्ष प्रदर्शित कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मेथड हम यूज कर रहे हैं स्थायी किस्त पद्धति से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, तो हमको एनुअल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट वैल्यू में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम मशीन को खरीदते हैं, उसको लाते ले जाते हैं या इसको एस्टैब्लिश करवाते हैं, स्थापित करवाते हैं, तो जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। यानी यहाँ पर मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख प्लस एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 25,000, यानी 1,25,000। और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे जो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10,000, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे इसके एस्टिमेटेड लाइफ से जो कि 10 ईयर क्वेश्चन में दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा 1,25,000 माइनस 10,000 अपॉन 10, यानी 1,15,000 अपॉन 10, 11,500 एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर क्योंकि एक नई चीज दी गई है कि स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्यह्रास और ह्रास के दर की गणना कीजिए, यानी रेट जो है डेप्रिसिएशन पे चार्ज हुआ है वो भी हमको कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल ये कॉस्ट पे कितने परसेंटेज पे किस रेट पे चार्ज हुआ है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन 200 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है 11,500, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने देखा 1,25,000,
इंटू 100 तो ये हो जाएगा 9.2%। अब हमको इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है, तो हमने जनरल एंट्रीज में देखा सबसे पहले कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, और अमाउंट हम इसमें कौन से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में मशीन की परचेस वैल्यू, उसके एस्टेब्लिशमेंट वैल्यू और उसको लाने ले जाने में जो भी खर्च होते हैं, जो भी गाड़ी भाड़ा रहता है, वो सारी चीज इसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाती है मशीनरी की 1,25,000 और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन खरीदी एवं स्थापना व्यय दिए, बीइंग मशीन परचेस एंड पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद 31 दिसंबर के लिए यहाँ पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है 11,500 और हमने देखा जनरल एंट्री में कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी एसेट्स पे, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मूल्यह्रास खाता डेबिट मशीन खाता से, क्योंकि मशीन की वैल्यू में से ही डेप्रिसिएशन के अमाउंट कम होती जाती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 11,500। नरेशन हम लिखेंगे मशीन पर मूल्यह्रास लगाया गया, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। फिर हम देख रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे, जो कि हमने देखा कि संपत्ति का जो डेप्रिसिएशन है उसको जब हम लाभ हानि खाते में अंतरित करते हैं तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं लाभ हानि खाता डेबिट मूल्यह्रास खाता से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 11,500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब 31st, ये हमने जो एंट्री की ये हमारे लिए 31st दिसंबर 2016 की क्लोजिंग एंट्री थी। अब फिर से हम 31st दिसंबर 2017 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो पूरा वन ईयर के लिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पर हम स्थायी किस्त पद्धति फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो एक बार हमने जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली 11,500 वही अमाउंट रहेगी, और यहाँ पर वही जनरल एंट्री हम फिर से पास करेंगे मूल्यह्रास खाता डेबिट मशीन खाता से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे मूल्यह्रास लगाया गया, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 11,500। और फिर यही डेप्रिसिएशन के अकाउंट अमाउंट को जब हम 31 दिसंबर को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर से हम वही जनरल एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2017 के लिए लाभ हानि खाता डेबिट मूल्यह्रास खाता से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे मूल्यह्रास की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की गई, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,500। अब 2018 के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से हम, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने एक बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है 11,500 वही डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पर रहेगा। यहाँ हम एंट्री करेंगे मूल्यह्रास खाता डेबिट मशीन खाता से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मूल्यह्रास लगाया गया, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 11,500। और फिर यही अमाउंट जब हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी लाभ हानि खाता डेबिट मूल्यह्रास खाता से, मूल्यह्रास की राशि लाभ हानि खाते में स्थानांतरित की गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 11,500। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज पास कर ली है, अब इसके बेस पर हमको यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम जो जनरल एंट्री हमने पास की है उसके बेस पे। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जब हम मशीन खरीदेंगे तो हमारी जनरल एंट्री हुई है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो सबसे पहले यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2016 जनवरी फर्स्ट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री हुई थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट में हमने लिखा टू कैश अकाउंट और टोटल अमाउंट जो है 1,25,000, ये हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर जब 2016 में हमने जैसे कि जनरल एंट्री में देखा हम इस डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इस कंडीशन में हमने जनरल एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो फिर अब हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे हम जनरल टू लेजर ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफर करते हुए हमको यहाँ पे मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और कितना हमने चार्ज किया 11,500। अब हमको 2016 के लिए इस मशीन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम 2017 में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2016 में डेबिट साइड में 1,25,000 है, इसमें से 11,500 क्रेडिट साइड का हम माइनस करेंगे तो हमको 31 दिसंबर 2016 को बैलेंस मिलेगा 1,13,500 का और टोटल हम यहाँ पर फिर लिखेंगे 1,25,000 और 2016 के लिए हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब ये जो हमारा 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस है 1,13,500, यही हमारे लिए 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जिसको कि हम यहाँ मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी 1,13,500। और अब फिर से हम 2017 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2017 को, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हमारी जनरल एंट्री तो वही रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो इसलिए हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हमेशा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2017 को 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,500, क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि स्थायी किस्त पद्धति को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा हर साल 11,500 ही रहेगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने इसके वैल्यू लिख ली डेबिट साइड में जो ओपनिंग वैल्यू थी मशीनरी की, क्रेडिट साइड में हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब हम देखते हैं कि 2017 का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस आता है, तो डेबिट बैलेंस है 1,13,500, इसमें हम क्रेडिट साइड 11,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो फिर हमको 31 दिसंबर 2017 के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है 1,02,000 और ये टोटल हमारा हो जाता है फिर 1,13,500। और ये जो 1,02,000 का क्लोजिंग बैलेंस है फिर इसको हम 2018 के लिए ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2018 फर्स्ट जनवरी को ओपनिंग बैलेंस हम लाते हैं यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 1,02,000 और 2018 को 31 दिसंबर को जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा 11,500। तो अब यहाँ पर जब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे क्लोज करेंगे इस अकाउंट को तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 1,02,000 में से 11,500 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ 31 दिसंबर 2018 को हमको बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस सीडी 90,500 और टोटल 1,02,000 लिखकर हम इसको क्लोज करेंगे। और ये जो 31 दिसंबर 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का 90,500, फिर इसको हम 2019 के लिए ओपनिंग बैलेंस लाकर 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी लिखेंगे 90,500 और यहीं पे हम मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब ऐसा ही हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे, इसी जनरल एंट्री के बेस पे हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हमने देखा कि हमने 3 साल तक लगातार डेप्रिसिएशन चार्ज किया और हर साल हमने जनरल एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो इसी एक जनरल एंट्री के बेस पे हमको पर ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पर अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना है। तो इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं 2016 31 दिसंबर को
टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट। और कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, 11,500, तो वो अमाउंट हम लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। या फिर अगर हम जनरल एंट्री बेस देखें तो हमने देखा कि हमने जनरल एंट्री भी पास की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस एंट्री के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो या तो हम जनरल एंट्री बेस चले या फिर हम ये मान के चले प्रिंसिपल इसका कि जो भी बैलेंस रहता है डेप्रिसिएशन का वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2016 को 31 दिसंबर को ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,500, और 2016 के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 2017 को फिर से हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 31 दिसंबर टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यहां पर भी हमने जनरल एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। और क्योंकि हम स्थायी प्रभार पद्धति यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे लिए हमेशा सेम रहेगी जो हमने एक बार कैलकुलेट कर ली 11,500। और 2017 में भी 31 दिसंबर को ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करके ट्रांसफर करके हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। और सेम यही काम हमको 2018 में करना है, इस डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना है 2018 31 दिसंबर टू मशीनरी अकाउंट 11,500, और 2018 में 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,500 लिख के इसको क्लोज कर देना है। तो ये तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, अब ऐसे ही हम बैलेंस शीट बना सकते हैं 2016 के लिए, 2017 के लिए और 2018 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम 2016 के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ आप फॉर्मेट देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। तो यहाँ पर हमको क्योंकि एक ही एसेट से मशीनरी उसी में हमको हर साल तीन साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो सीधे सीधे हम एसेट साइड में मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि 2006 में तो मशीनरी 1,25,000 टोटल की थी, तो 2006 के जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वहां पर हम मशीनरी अकाउंट 1,25,000 लिखेंगे, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 11,500 और अमाउंट कॉलम में हम 1,13,500 लिख देंगे और इस बैलेंस शीट को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। वैसे ही बैलेंस शीट हम 31 दिसंबर 2017 के लिए बनाएंगे। अब हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है 31 दिसंबर 2017 को वो 1,13,500 है, इसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 11,500 और फिर 1,02,000 लिखकर इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। और बिल्कुल वैसे ही हम 2018 के लिए डेप्रिसिएशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हमारी मशीनरी के जो अमाउंट है वो घटकर हो गई है 1,02,000, इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 11,500 फिर से, तो इसकी वैल्यू शो करेंगे हम यहाँ पर 90,500। तो इस तरह से जितने साल तक मशीन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे उतने साल के लिए हम बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बंद कर दो। एक मशीन 1 जनवरी 2015 को 1,20,000 रुपए में क्रय की गई, स्थायी प्रभाग पद्धति से 10% प्रतिवर्ष के दर से ह्रास काटते हैं, 3 वर्षों के लिए मशीन खाता एवं मूल्यह्रास खाता बनाइए, यदि संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कुछ भी नहीं होगा। A machine is purchased on 1st January 2015 for ₹1,20,000. Prepare a machinery account and depreciation account for 3 years by providing depreciation at the rate 10% per annum on fixed installment method. It is assumed that the rescheduled value of machinery is nil. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 1,20,000 रुपए में खरीदी गई मशीन यानी इसकी
कॉस्ट जो है, लागत जो है, वो हम 1,20,000 रुपए ही मानेंगे। हमको इसमें स्थायी प्रभाग पद्धति यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 10% प्रतिवर्ष से मूल्यह्रास कैलकुलेट करना है और 3 वर्ष का मशीन खाता और हास खाता बनाना है। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हमको यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना होगा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमको पहले कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 1,20,000, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो ये हो जाएगा 12,000 डेप्रिसिएशन। और अब हम इसके बेस पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 2015 फर्स्ट जनवरी टू कैश अकाउंट 1,20,000, और जब 2015 में 31 दिसंबर को हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वहां पर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। फिर हम बैलेंस लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 1,08,000। तो ये टोटल 1,20,000 हो जाएगा। और 2015 के लिए हम मशीनरी अकाउंट को यहाँ क्लोज कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2015 का जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 1,08,000 क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम 2016 के लिए ओपनिंग बैलेंस मानकर 1 जनवरी 2016 को ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 1,08,000। और फिर 2016 को 31 दिसंबर को हम ये डेप्रिसिएशन फिर से इस पे जब चार्ज करेंगे तो वो 12,000 ही रहेगा, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये जो डेप्रिसिएशन हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से है, तो ये वही का वही रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी जो जनरल एंट्री वो हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में फिर से लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। और फिर 31 दिसंबर को हम इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, तो डेबिट बैलेंस हम इसका देख रहे हैं 1,08,000 है, इसमें हम क्रेडिट यानी 12,000 को माइनस कर दें तो बैलेंस हमारा जो बनता है वो 96,000 बनता है। और टोटल ये 1,08,000 लिख के हम इसको क्लोज कर देंगे, और ये जो बैलेंस है हमारा 96,000 का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 1 जनवरी 2017 में। 96,000 का ये बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया। और फिर से हम थर्ड ईयर में 2017 में 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 12,000 का, और फिर हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा 2017 में जनवरी में 96,000 का, इस पे हम इस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए 12,000 का, तो 31 दिसंबर 2017 को हमारा बैलेंस हो गया 84,000। तो टोटल ये हो जाएगा हमारा 96,000 से क्लोज। और एक बार फिर हम 2018 में इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 84,000, और डेबिट साइड में लिख के हम इसको बंद कर देंगे। और जनरल एंट्री बेस अगर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए तो हम देखेंगे कि हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 12,000, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट। चाहे हम जनरल एंट्री बेस इसको समझे या फिर हम देखें कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2015 31 दिसंबर टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यहाँ हमारी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और फिर इस बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस और फिर इस बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। तो 12,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम 2016 में भी 31 दिसंबर को मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000 से, और फिर 2016 में 31 दिसंबर को हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके 12,000 के अमाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर से हम 2017 में देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और दूसरी बात जो अमाउंट जो है वो हमेशा वही रहेगी और डेबिट साइड में फिर आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि जनरल एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट,
तो डेबिट साइड में आ जाएगा ये टू मशीनरी अकाउंट 2017 31 दिसंबर 12,000, और फिर ये जो टोटल है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे। एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2014 को एक प्लांट तथा मशीनरी 45,000 रुपए में खरीदी। यह अनुमान लगाया गया कि इसका जीवन काल 10 वर्ष होगा तथा अंत में अवशेष मूल्य 5,000 रुपए रह जाएगा। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने 30,000 रुपए की एक और नई मशीन खरीदी जिसका जीवन काल 15 वर्ष और अवशेष मूल्य 7,500 रुपए होगा। 1 अक्टूबर 2016 को 15,000 रुपए की एक और नई मशीन क्रय की गई जिसका अवशेष मूल्य 5,000 रुपए और जीवन काल 20 वर्ष होगा। सरल रेखा पद्धति से हाथ लगाते हुए 31 मार्च 2018 तक प्लांट व मशीन का खाता बनाइए। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक तो हमको जो मशीनरी दी गई है उसकी वैल्यू 45,000 है, उस पे स्क्रैप वैल्यू दी गई है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है जो कि 1 अप्रैल 2014 को खरीदी गई, और फिर दूसरी मशीन जो है वो 1 अप्रैल 15 को खरीदी गई, और तीसरी मशीन जो है वो 1 अप्रैल 2016 को खरीदी गई। तो तीन मशीनरी है यहाँ पर हमारे पास, तीनों पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अलग अलग हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम तीनों मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट जो मशीनरी है वो हमारी 45,000 की है, इसमें स्क्रैप वैल्यू इसकी 5,000 हम माइनस कर दें और इसको हम डिवाइड कर दें इसकी एस्टिमेटेड लाइफ यानी 10 से, तो ये हो जाएगा 45,000 माइनस 5,000 अपॉन 10 यानी कि 40,000, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4,000 पर ईयर इसका डेप्रिसिएशन। ऐसे ही सेकेंड मशीनरी को हम देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड मशीनरी है वो हमने 1 अप्रैल 2015 को परचेस की है 30,000 की, इसमें हम इसके स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें अपने जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम इसको डिवाइड कर दें इसके जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 7,500 अपॉन 15 यानी 22,500 अपॉन 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,500 पर ईयर। और फिर वैसे ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लें थर्ड मशीन के लिए, तो थर्ड मशीन है 15,000 की और इसमें हम माइनस कर दें इसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 और डिवाइड कर दें हम इसको इसके एस्टिमेटेड लाइफ से, तो ये हो जाएगा 15,000 इसकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 20 यानी कि 500 पर ईयर। एक चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है 500 रुपीस, ये थर्ड मशीन के लिए है जो कि हमने यहाँ पर 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा था, तो जब हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम इसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कब हम उसको कितने मंथ वो मशीन हमारे पास रही, इस जब हम अकाउंट फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे तो उस पे हमको विशेष ध्यान देना होगा, वहां पर हम कोई मिस्टेक ना करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इसका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से हम मशीनरीज के इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम जब मशीन खरीदते हैं यहाँ पर तो यहाँ हम एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब हम मशीन परचेस करते हैं तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम जनरल एंट्री लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1 अप्रैल 2014 को हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक 45,000, और दिसंबर 31 मार्च क्योंकि इसका जो क्लोजिंग ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 31 मार्च को हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, और जब फिर 31 मार्च को हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट साइड हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो है 45,000 का, 4,000 हमने कैलकुलेशन किया था इस मशीनरी पे
वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, और 31 मार्च को इसका बैलेंस हम लिख लेंगे यहाँ पर 41,000, और फिर 45,000 टोटल से हम 2014 के लिए मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब तक हमारे पास सिर्फ एक मशीनरी थी। अब ये जो मशीनरी है जो हमने 1 अप्रैल 2014 को परचेस की थी, इसका जो बैलेंस है घटकर अब 41,000 हो गया है, जो कि 31 मार्च 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है। अब 2016 में इसको हम 1 अप्रैल में ट्रांसफर कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए, और फिर 1 अप्रैल को इसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और फिर 1 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि हमने एक एडिशनल मशीनरी परचेस की है, ये हमारे लिए यहाँ पर नया है। तो ये जो एडिशनल मशीनरी हमने परचेस की, हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे हैं, और जब हम इस मशीनरी को परचेस करेंगे तो हम जनरल एंट्री लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिर हम प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितने की ये मशीनरी है 30,000 की, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो मशीनरी हो गई, एक मशीन 41,000 की है और एक मशीन 30,000 की है। अब जबकि हम 2016 को 31 मार्च को इसके डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि हमको इसको कोई मार्किंग दे देना है दोनों मशीनों को, या तो एक मशीन को हम ए और दूसरे को बी मान लेंगे, या फिर फर्स्ट और सेकेंड करके मार्क करेंगे। तो 2016 31 मार्च को जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट वाली जो मशीनरी है इस पर डेप्रिसिएशन है 4,000 जो हमने कैलकुलेट करके रखा है, और सेकेंड वाली जो मशीनरी है इस पर डेप्रिसिएशन है 1,500 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो है 5,500 जो कि अब हम आउटर कॉलम में यानी अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब बैलेंस भी हम इसी तरह से निकालेंगे, फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू में से फर्स्ट मशीनरी के डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और सेकेंड मशीनरी के कॉस्ट में से हम सेकेंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो इसको भी हम मार्किंग कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड। तो 31 मार्च को यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और फर्स्ट मशीनरी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 41,000 की मशीनरी में 4,000 हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो 37,000 इसकी वैल्यू हो गई, और 30,000 की मशीनरी में 1,500 हम माइनस कर दिए, तो 28,500 इसकी वैल्यू हो गई। तो टोटल बैलेंस जो हो गया 37,000 और प्लस 28,500 वो हो गया 65,500, यानी टोटल ये हो जाएगा 71,000। अब ये जो बैलेंस हमको मिल रहा है दो मशीनरी का 31 मार्च 2016 का, उनको ये क्लोजिंग बैलेंस है इन दोनों मशीनरी का, इसको हम ट्रांसफर करके 2016 में ले आएंगे। तो एक मशीनरी की वैल्यू है 27,000, दूसरी की वैल्यू है 28,500, यानी कि 65,500, ये दो मशीन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2016 में 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीद लिया, तो इसके लिए फिर से हम 1 अक्टूबर को यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 15,000। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन मशीनरी हो गई, एक है 37,000 की, दूसरी है 28,500 की, और तीसरी है 15,000 की। तो इन तीनों मशीनों पे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट यहाँ पर करना है, कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है, केवल यहाँ पे हमको लिखनी है उसकी वैल्यू। तो जब 2017 को यहाँ पर हम फर्स्ट मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तो क्योंकि ये तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे 4,000, सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लिखा है 1,500, और अब थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम लिखेंगे 250, क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो पूरे एक साल का था, लेकिन ये मशीन हम परचेस कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, और आप यहाँ देख रहे हैं कि अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 मंथ ही अभी हमारे पास रही है फॉर्म में, तो हम इस पे केवल 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 250। तो तीन मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया, हम नंबरिंग इसमें कर देंगे ताकि हम पहचान सके कि कौन सी मशीनरी का कौन सा डेप्रिसिएशन है। तो
तो फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 4000, सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 1500 और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 250, यानी टोटल डेप्रिसिएशन है 5750। और अब इस डेप्रिसिएशन वैल्यू को हम इसकी कॉस्ट वैल्यू से माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट मशीन की कॉस्ट में से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी कि 37000 में से 4000 माइनस करेंगे तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस आ जाएगा 33000। सेकेंड मशीनरी है 28500 की, इसमें से हम सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन यानी कि 1500 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27000 का। थर्ड मशीनरी की वैल्यू 15000 है, इसमें से हम थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन यानी कि 250 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14750, यानी ये टोटल हो जाएगा 74750 की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्लोजिंग वैल्यू ये हो गई तीनों मशीनरीज की। और अब जब हम इसको 2018 के लिए ट्रांसफर करेंगे इस क्लोजिंग वैल्यू को, तो ये हो जाएगी ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस बीडी 33000 फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट मशीनरी की, और सेकेंड मशीनरी की 27000 और थर्ड मशीनरी की 14750। टोटल 74750 तीन मशीन की वैल्यू है। अब क्योंकि 2018 में फिर से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 4000 रहेगा, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन 1500 रहेगा और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो कि हमने पहले 250 कैलकुलेट किया था सिर्फ 6 मंथ के लिए, अब वो पूरे होल ईयर के लिए हो जाएगा क्योंकि अब हम उसको 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये पूरी वैल्यू इसकी हम लिखेंगे 500। तो 2018 31 मार्च को हम देख रहे हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो 6000 हो गई है। अब हम इसमें बैलेंस कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर हम फर्स्ट मशीन की कॉस्ट में से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी कि 33000 माइनस 4000 29000 बैलेंस आएगा फर्स्ट मशीनरी का। फिर सेकेंड 27000 में से 1500 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो 25500 इसकी वैल्यू आ जाएगी बैलेंस, और फिर 14750 में से 500 माइनस करेंगे तो 14250 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 68750। और अब इसका टोटल आ जाएगा 74750, जो कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड का जो टोटल है ये हमारा बराबर आ गया है। और फिर हम इसको 1 अप्रैल 2018 में ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे।